चलो 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 वो मेरे वाल आई तेरी मेहरबानी वो मेरे वाल आई भाई ये यूनिफॉर्म है इनका रेडी ऐसे होते हैं ये देखें और आज हम जो है इनको ज्वाइन करेंगे इनके साथ साथ ये इनका प्रिपरेशन अभी हो रही है प्रोसेस पूरा उसमें ये करेंगे कि ये लोग मशीन ऑन किया यहाँ से ठीक है पानी वगैरह से सारा सफाई होगी पहले जहाँ से दूध ने गुजरना है वहाँ से सारा फिल्टर लगाएंगे ताकि जो कचरा वगैरह है वो दूध में वो पीछे रह जाए फिल्टर चेंज करने के बाद अब ये जो पाइप है यहाँ से दूध गुजरेगा और ये टैंक में जाएगा वी आर डूइंग द गटर्स ऑफ सो वॉशिंग इज डन ऑलरेडी वी आर गोइंग टू स्टार्ट द आफ्टरनून मिल्किंग सो वी आर रिमूविंग द कप्स फ्रॉम द गटर्स सो वी कैन स्टार्ट मिल्किंग लेटर ऑन इसी यूट में ही बैठे रहेंगे बाहर नहीं निकलेंगे लेकिन ये है कि हम इनको इसी तरह इनको ये नहीं कि सिग्नल एक गाय को मिल जाता कि यार बंदे आ गए हैं लेने के लिए हमें तो इस टाइम ये चारा चर रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ खा भी रही है यहाँ पे बैठ के चलो चलो शाबाश शाबाश बहुत पानी पी लिया चलो शाबाश चलो चलो छब्बी नंबर बाद आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ वो देखें वो सारा जा रही है वहाँ पे इस टाइम एंड पॉइंट जो है उनका वो फार्म है वहाँ पे जाके मिल्किंग होगी इनकी ठीक है आप देख रहे हैं जो जितनी भी भैंसें हैं ये अंदर जाएंगी बारी बारी और इनकी जाके मिल्किंग होगी तो आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस है मिल्किंग का वो आपको दिखाते हैं ये देखें ये सारी जो है ना अंदर आएंगी बारी बारी उधर गेट से और वहां से ये सारी जो है लाइन में लग जाती हैं
और ये पूरा सफाई का सिस्टम बहुत बेहतरीन है। मिल्किंग वाली मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं करना, बस ये मशीनें लगा देनी है और ये सारा मिल्किंग खुद ही हो जानी है। और ये भाई हमारे लगे हुए हैं मिल्किंग की मशीनें लगा रहे हैं और सारा जो है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम है यहाँ पे। जो भी भैंस है ना, हर एक की एक आईडी है, कान पे आप देख सकते हैं उनकी एक टैग लगा हुआ है। जैसे वो इस गेट से गुजरती हैं, उनके इस कंप्यूटर पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये वाली भैंस अंदर आ गई है, तो देख सकते हैं। ये कान पे जो टैग लगे हैं उनके येलो कलर के, ये बता देते हैं कि ये अंदर आ गई है और ये बाहर चले गई है। देखिए अभी इधर आएंगे, ये मशीनें लगाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे लग रही है मशीन। और ये दूध यहाँ से जो है वो नीचे जाते हुए ये टैंक में फिल होता है और आप देख सकते हैं अंदर से ऊपर से आ रहा है। जैसे ये टैंक फिल हो जाएगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली सारा दूध नीचे से होते हुए पाइप से वो सामने बड़ा टैंक है उसमें चला जाएगा। और ये देखें, ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम है इनका। ये अभी रेड लाइट चल रही है, दैट मीन्स के इसकी मिल्किंग कम्प्लीट हो गई है और ऑटोमेटिकली ये मशीन उतर जाती है। जो भैंस का अभी तक ये देखें, कुछ आपको मिलेंगी ग्रीन लाइट्स के साथ, दैट मीन्स इसकी मिल्किंग अभी कंप्लीट नहीं हुई। और ये जितने भी ग्रीन लाइट वाली हैं यहाँ पे, इनकी अभी मिल्किंग कंप्लीट होने वाली है और ऑटोमेटिकली सेंसर ये डिटेक्ट कर लेगा कि मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है और नीचे से मशीन खुद ही रिमूव हो जाती है। Some more is it? Yeah. Some more is. What is that thing that you're doing now? At the moment I'm teat spraying. Yeah. So this is basically iodine. Yeah. And it basically disinfects the teat and softens the teat. ये कह रहा है कि यहाँ पे हम यहाँ पे ये जो है ना हल्की सी स्प्रे लगाते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो बकायदा क्लीनिंग यहाँ पे करते हैं यहाँ पे ये सारे, क्योंकि उनको कुछ मिट्टी वगैरह लगी है यहाँ पे, हालांकि पीछे पानी से साफ भी गया है, बट स्टिल ये एक डिसइंफेक्ट स्प्रे है जो बैक्टीरिया को मारती है। तो तकरीबन सारा जो है वो मिल्किंग हो गई है और जो जो भैंसें थी वो सारी अपनी अपनी जगह पे दोबारा फार्म में चले गई हैं ओपन एरिया में। तो ये जो हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, ये हमें दिखाएंगे कि शट डाउन प्रोसीजर क्या है सारी मशीन का। चलें, यहाँ से ये वॉल्व बंद किया है, सारे तकरीबन पानी वगैरह जो सफाई के वॉल्व थे वो बंद करेंगे। मेन स्विच है यहाँ से, अब जो पाइप में जो दूध बच गया है बाकी वो सारा वैट में जाएगा पंप से। नाउ वी आर गोइंग टू टर्न ऑफ द डेयरी। यहाँ से ये बंद किया, ये सारी मशीन बंद हो गई, ये मेन स्विच यहाँ पे, तो ये कंप्लीट हो गया सारा। यहाँ से बिल्कुल जो है ना वो भैंसें बाहर चली गई हैं। ये लास्ट स्टेप है, वो ये है कि आपको फ्री मिल्क मिलता है अगर आपका कोई दोस्त डेयरी फार्म में काम कर रहा है। तो मैं आते हुए ये दो बोतलें ले आया था, देखिए हम लोग ये दुकानों से बोतलें लाते हैं और ये दूध वो नहीं होता, फ्रेश मिल्क नहीं होता। तो देखें ये अभी हमारा दोस्त यहाँ पे आपको फ्रेश मिल्क बिल्कुल अभी जो निकला है ताज़ा ताज़ा, दो बोतलें भर के देगा मुझे। और ये मेरे पास एक 3 लीटर की बोतल है, देखें आप बिल्कुल फ्रेश मिल्क है ये जो अभी अभी निकला है। इसको घर जाके बॉयल करेंगे और बॉयल करने के बाद मेरा प्लान है कि इसकी खीर बनाई जाए, क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन है, तो इंशाल्लाह ताला भी जाके घर ईद की जो है ना वो मिठाई बनाएंगे, किस्म की खीर होगी और थोड़ा सा साथ जो है चाय भी पियेंगे इस दूध की। और इस दूध की चाय का अपना ही मजा है, कैन यू बिलीव।